जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम बालूशाही की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए और देखिए कितनी परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हुई है। ये ऊपर से एकदम कुरकुरी है और अंदर से बहुत ही जूसी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लिया हुआ है और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। मीठा सोडा डाल दीजिए या फिर बेकिंग पाउडर। उसके साथ 3 चम्मच मैंने दही डाला है और थोड़ा इसे मिला देंगे हम पहले थोड़ा सा। उसके बाद घी ले लेंगे और खाने के चम्मच से 5 चम्मच घी इसमें डाल देंगे। तो घी को डालकर इसे हल्के हाथों से मिला देंगे। और आप चाहें तो रिफाइंड से भी मोयन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मोयन की तरह नहीं लगाना है, बस ऐसे हल्के हाथों से मिला दीजिए बस। उसके बाद इसे हम पानी डालकर इसका आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बस आटे को इकट्ठा कर लीजिए हल्के हाथों से। इसे हमें बहुत नहीं मसलना है, बस इकट्ठा कर लेना है बस पानी मिलाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, इकट्ठा हो गया और उसमें लेयर देखिए। और जितनी ढेर सारी इसमें लेयर बनेगी उतनी ही अच्छी बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, तो इसे हमें हटाना नहीं है, बस ऐसे आप मिला दीजिए और मिलाकर इसे ढककर रख देते हैं। अब इसे हम ढककर रख देंगे और तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी लिया हुआ है, आप ग्लास से नाप सकते हैं। जिस ग्लास से आप पानी पीते हैं 2 ग्लास चीनी ले लीजिए और जितना चीनी लेंगे उतना ही इसमें पानी डाल देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। और फ्लेवर के लिए इसमें इलायची कूट कर डाल दें और थोड़ा सा इसमें हम नींबू डाल देंगे, नींबू का रस 3 से 4 बूंद डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिससे चीनी में क्रिस्टल नहीं आते हैं और बालूशाही के ऊपर इसमें चीनी जमती नहीं है, तो जूसी बालूशाही बनकर तैयार होती है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर डाल दिया है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। और चाशनी को हम देखते हैं अच्छी तरीके से बन गई है या नहीं, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो आप कलछी के ऊपर वाले भाग पर देखेंगे तो एक लेयर बन जाएगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रही होगी, अब आटा भी तैयार हो गया है। 10 मिनट हो गया है आटा रखे हुए, तो इसे हमें ऐसे मसल लेना है। तो थोड़ी देर मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे हम चाकू से कट करके एक दूसरे पर हम रखते जाएंगे, जिससे ढेर सारी लेयर आएगी। अब एक बार फिर से काट देंगे हम बीच से। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कितनी ढेर सारी लेयर बन गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितना आप रख कर काटते जाएंगे उतनी ढेर सारी इसमें लेयर बनती जाएगी और उतनी ही अच्छी बालूशाही हमारी बनेगी। अब इसे हम मिला देंगे, हल्के हाथों से ही इसे मिलाएं, बहुत मसले नहीं, इससे लेयर इसमें ख़त्म ना होने पाए। और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे आटे को हम, उसके बाद बालूशाही बनाएंगे। थोड़ा सा आटा हम इसमें तोड़ लेते हैं, जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनानी हो उतना आटा ले लीजिए और छोटी छोटी ही बनाइए, फूलने पर बड़ी भी हो जाती है। इसे हल्के हाथों से सारे लेयर को हम अंदर करते जाएंगे और बीच में हम इसमें छेद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम और बना लेते हैं। तो दूसरी भी मैंने बना लिया है, जो क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, तो ये क्रैक्स बहुत अच्छे लगेंगे बनने पर। उसके बाद देखिए, तेल हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए तेल में, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, अभी टच नहीं करेंगे। तेल में जाने के बाद ये मुलायम हो जाएगी, तो इसे हम टच करेंगे तो टूट जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका साइज़ देखिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। इसको हम अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे हम पलट देंगे। तो किसी चम्मच की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से आप इसे पलट दें। और ये देखिए पलट पलट कर मैंने इसे सेक लिया है। थोड़ी देर मैंने गैस को हाई किया था, उसके बाद फिर से लो कर दिया है। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे, और जब हम तेल से निकालेंगे तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, जिससे कि बालूशाही ज़्यादा तेल ना पी सके। और देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई, कितनी फूली फूली है, और इसमें काफ़ी लेयर दिख रही है। अब इसे हम गर्म गर्म ही चाशनी में डाल देंगे, तो चाशनी भी हल्का गर्म होना चाहिए। और इसे हम चाशनी में ही थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे, तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। जब दूसरा बैच तैयार कर लेंगे तब हम चाशनी से बाहर निकालेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक लिए हम चाशनी में रखेंगे, इसे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से तल लिए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं तेल से। और ये देखिए ये भी कितनी परफेक्ट बनी है। और ध्यान रखिए जब दूसरा बैच हम निकालेंगे तो गैस हम बंद कर देंगे, और थोड़ी देर बाद जब तेल ठंडा हो जाएगा तो फिर से हम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। और फिर से इसे हम चाशनी में थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे, उसके बाद हम निकाल लेते हैं चाशनी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट बालूशाही बनकर हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, देख के आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप भी बनाइए इसी तरीके से, और काफ़ी इजी है इसे बनाना, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और काफ़ी आसानी से मैंने इस रेसिपी को आपके सभी के साथ शेयर किया है। तो आप भी परफेक्ट बालूशाही बना सकते हैं। और ये देखिए अंदर से कितनी जूसी है और ऊपर से कितनी कुरकुरी है, और कहीं भी ये कच्ची नहीं है, ये देख लीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट बालूशाही बनी है, अंदर तक मैंने सारा तोड़ कर आपको दिखा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।